जय हरसिंह। जय हरसिंह सर, मेरा नाम नवीन किशोर नायक है। मेरा एक्चुअली प्रोफेशन है सर्विस। तो सर, सब लोग बोलते हैं कि आरसीएम में ज्वाइन करने से टेक्निकल अचीवर होते हैं, है ना सर? लेकिन आरसीएम में ज्वाइन नहीं करने से भी टेक्निकल अचीवर होते हैं। दोस्तों, जय आरसीएम। नाम है श्री प्रिया सतपति फ्रॉम कटक। इस बिजनेस से पहले मैं मार्केटिंग जॉब में था, आज आरसीएम का टेक्निकल अचीवर हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम। नाम परिमल भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता। सिस्टम से पहले स्टूडेंट था और अभी भी सिस्टम का स्टूडेंट हूँ। जय आरसीएम। नमस्कार, नाम है अरुण कुमार बेहरा, आज प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर और जगतपुर कटक से बिलोंग करता हूं। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। नाम श्रीमंत दत्त, आरसीएम सिटी कटक। सर, पहले ट्रेडिशनल बिजनेस था, अभी आरसीएम बिजनेस सीख रहा है 15 साल से। आप भी दिल से सीखिए, आप भी टेक्निकल आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, रमेश बिस्टवाल कटक। पहले प्लम्बर का ठेकेदारी कर रहा था, अभी आरसीएम बिजनेस। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ प्रबोध कुमार पठान फ्रॉम आरसीएम सिटी निमापड़ा। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। तो ये बिजनेस मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था, ज्यादातर नहीं बोलूंगा। तो ये बिजनेस पहले मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता था, मगर अभी एक इंडिया अचीवर हूँ, एक इस मकान पर पहुंचता हूँ। ये बिजनेस को अब मिशन तरह से करिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। सर, मेरा नाम नवीन किशोर नायक है। मेरा एक्चुअली प्रोफेशन है सर्विस। तो सर, सब लोग बोलते हैं कि आरसीएम में ज्वाइन करने से टेक्निकल अचीवर होते हैं, है ना सर? लेकिन आरसीएम में ज्वाइन नहीं करने से भी टेक्निकल अचीवर होते हैं। आरसीएम में ज्वाइन नहीं करने से भी टेक्निकल अचीवर होते हैं। मैं अभी एमरल्ड लेवल में हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, डिफेंस में सर्विस कर रहा था सर। एक्चुअली इस मिशन में मैं शामिल नहीं हुआ हूँ। मेरा पिताजी 2003 में रिटायर्ड किए, वो भी एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। दिसंबर 2004 में मेरा पिताजी इस मिशन में शामिल हुए थे, मैं नॉमिनी था। 10 महीने के बाद उनका डेथ हो गया। अक्टूबर 2005 में उनका डेथ हो गया। उनका डेथ का बाद उनका जो कोड नंबर था मेरे को मिला। मैं पार्ट टाइम हिसाब से 2018 तक काम किया और 2018 से मैं ऑलरेडी भारत ले लिया हूँ, अभी फुल टाइम कर रहा हूँ। तो सर्विस जो है एक ही जनरेशन है। आज मेरा पिताजी नहीं है, वो जो सर्विस कर रहे थे सैलरी मिला, उनको पेंशन मिला। आज मेरे माँ को फैमिली पेंशन मिल रहा है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं सर जूनियर वार्स मैनेजर था, मेरा बेसिक पे 66,000 था, 81,000 सैलरी था। आज मेरे को 40,000 पेंशन मिल रहा है। मेरा मिसेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिले, उसको 80,000 सैलरी मिल रहा है। सर दोनों का सैलरी, मेरा पेंशन प्लस मेरा मिसेस का सैलरी 1,20,000 आज भी है, लेकिन सर एक ही जनरेशन है। काल अगर मेरा कुछ हो जाएगा तो हमारा जो सैलरी या पेंशन इसको नहीं मिलेगा, लेकिन कार अगर कुछ हो जाएगा तो ये मेरा पिताजी का कार्ड और मेरा जो कार्ड था कल इसको मिलेगा। तो सर इसीलिए आरसीएम खुद के लिए नहीं, नेक्स्ट जेनरेशन के लिए करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जय आरसीएम सर। थैंक यू। मुझे लगता नहीं कि और कोई कारण आपको चाहिए इस बिजनेस को ट्रूली करने के लिए। चाहिए क्या?